काव्या कल 9 सितंबर 2 बजे से घर से मिसिंग है, वो कहीं चले गई थी गुस्से में और वो तब से घर नहीं लौटी है, वो मिसिंग है। ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब वो इतने देर है ना ऐसे मतलब घर से बाहर रहे, कुछ बुरा हुआ हम नहीं जानते, पर वो हमसे है ना नहीं इतने है ना देर तक दूर नहीं रह सकती। फ्रेंड, आप बिंदास काव्या को तो जानते होंगे। फ्रेंड, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, वो एक यूट्यूबर हैं और उनके यूट्यूब चैनल पर 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और उनके इंस्टाग्राम पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो फ्रेंड, क्या हुआ, उनके घर पे कुछ मैटर हो गया था, कल कुछ मैटर हो गया था जिसकी वजह से काव्या नाराज होकर घर छोड़ के कहीं चली गई हैं और उनके घर वाले फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, रो रो के उनका बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड, इतना टाइम तक वो अकेले मतलब घर छोड़ के कभी गई नहीं थी, वो हमेशा अपने पापा के साथ में रहती थी। आप देखे होंगे उनकी वीडियो में, पापा के साथ उन्होंने बहुत वीडियो बनाया है। तो उनकी मम्मी और पापा का बहुत ही बुरा हाल है। तो फ्रेंड, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ और आपको ये भी दिखाता हूँ कि उनके मम्मी पापा कितने परेशान हैं, उनका रो रो के किस तरह से हाल हो रहा है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उनके मम्मी पापा का क्या हाल है। हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, हमारे रो लिए मत, तू रो मत, रो मत, कुछ रो मत, तू रो मत। पकड़ पकड़ मोबाइल पकड़। उसने ग्रे कलर के कपड़े पहने, ग्रे कलर के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स वाले, स्कार्फ भी लगाए, पर वो ज्यादा स्कार्फ नहीं लगा सकती, कभी लगानी नहीं भूलती। उसके सास सास रुकती, मम्मी स्कार्फ बांधे तो मुझे स्कार्फ बांधना नहीं होता, स्कार्फ भी नहीं बांध के रख सकती ज्यादा देर तक। उसके पास कुछ भी नहीं है, वो पैसे 1.5 हज़ार रुपए 2 हज़ार रुपए लेके गई, कुछ नहीं है। उसके मोबाइल भी हमारे पास छोड़ के गई, उसका मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल उसके पास नहीं है, मोबाइल उसका मेरे पास है। हमको क्या दिन आएंगे, हमको सब ऐसे बढ़िया बनना पड़ा। मोबाइल का दूसरा पीछे है, दूसरा मोबाइल। तो फ्रेंड, आपने देखा इनके मम्मी पापा का रो रो के क्या हाल हो रहा है, कितने ये परेशान हो रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर होने के नाते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी एक यूट्यूबर हैं तो एक यूट्यूबर का हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता चल सके कि बिंदास काव्या अपने घर से नाराज़ होकर घर से कहीं चली गई हैं जिसकी वजह से उनके घर वाले उनको ढूंढ रहे हैं और बहुत ही परेशान है। तो फ्रेंड, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और फ्रेंड बिंदास काव्या को ढूंढने में हम सब हेल्प कर सकें। तो फ्रेंड, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। फ्रेंड, आप भी एक यूट्यूबर हैं तो आप भी अपने चैनल पर इस तरह से एक वीडियो बना के बिंदास काव्या का सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो जल्दी से मिल जाए, उनके घर वाले इतना ज़्यादा परेशान है। फ्रेंड, तो हमको सपोर्ट करना चाहिए, हम भी एक यूट्यूबर हैं, वो भी एक यूट्यूबर है, तो हमको सभी का सपोर्ट करना चाहिए, वो चाहे यूट्यूबर हो या ना हो, इस तरह से जो भी परेशान हो उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, हम भी एक यूट्यूबर हैं, वो भी एक यूट्यूबर है, तो हमारा हक होता है कि हम उनको सपोर्ट करें। फ्रेंड, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। तो फ्रेंड, आपने मेरी बात समझ ली और आपको ये वीडियो क्या करना है, शेयर करना है, तो आप जाइए जल्दी से वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।